कि ये हालत नशे में ऑपरेशन करती है और हालत नशे में जो है इलाज करती है, जिसकी वजह से मासूम जानों से खिलवाड़ हो रहा है। कार्रवाई क्या करना है, मीडिया की तरह हुकूमत तक नहीं पहुंचेंगे भाई, करेंगे ना, जरा करने दो, कार्रवाई तो करने दो। तुम जाओ, अखबार तुम जाओ, उनको लेके जाओ। कल एक जो है हामिला खातून, जकिया क्या नाम है, जबीन सुल्ताना जो शाहीन नगर के रहने वाले हैं, यहाँ पहाड़ी शरीफ नगर, राजीव गांधी नगर के, यहाँ डिलीवरी के लिए आए थे। यहाँ पे डॉक्टर सरला के हॉस्पिटल में जो मुसलसिल इसकी लापरवाही के नतीजे में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर 3 महीने में एक हादसा होता है, हर महीने 2 महीने में यानी केसेस ले लेते हैं लापरवाही की वजह से। कई मरतबे बच्चों की अमवातें हुई हैं, कभी कई मरतबे वालिदा का यानी जिनकी हामिला खातून के जैसे साथ लापरवाही की गई है। और यहाँ मुकामी लोग जो कहते हैं कि ये हालत नशे में ऑपरेशन करती है और हालत नशे में जो है इलाज करती है, जिसकी वजह से मासूम जानों से खिलवाड़ हो रहा है। इंशाल्लाह हमारे आज जो हादसा हुआ जिनमें बच्चा जो पैदा हुआ, उनकी वालिदा भी बेइंतहा सीरियस गांधी हॉस्पिटल में है, उनके लिए भी हम दुआगो हैं, परवरदिगार उनको जो है सो सेहत दे। लेकिन जो है सो लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन वो भी जो है सो सानहे से गुजरे हैं। अल्लाह इनके घर में जो है सो इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा, रमजान में भी जो है सो एक जो है सो डिलीवरी में ऐसी लापरवाही की गई जिसकी वजह से बच्ची की इंतकाल हुआ और जो है सो बच्चा का वालिदा को जो है सो उनके किडनी मुतासिर हो गए। तो यानी हर मुसलसिल ये शिकायत आ रही है। इंशाल्लाह हम पुलिस से भी और हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इसके सो अनदेखी ना किया जाए। हम इसके लिए इन तमाम आज के जो वाकया हुआ है, मैं उन भाइयों को ये तयखुन देता हूँ कि इनको जो है सो ये दवाखाने को यहाँ से बर्खास्तगी, न सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि इसको मरकजी सतह पर नुमाइंदगी करके इनके लाइसेंस की मनसूखी। सरला जो इस वक्त एक नशे की आदि खातून हैं जो सिर्फ पैसे के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही हैं, हम इनके लाइसेंस को मनसूख करवाएंगे। और उसके साथ साथ हम तो चाहेंगे कि डॉक्टरी का जो इनका सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल किया जाए। हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इंशाल्लाह नसीब मिल्लत से नुमाइंदगी करके इनका किसी भी तरीके से यहाँ से दवाखाने की बर्खास्तगी के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं आज जो हादसा हुआ है उनके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ, और उन्होंने पुलिस के साथ और हमारे पे भरोसा करके जो ताउन किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ काम करते हुए अपनी मासूम मैयत को जो तकरीबन यहाँ 4 घंटे से लेकर बैठे थे अब वो तदफीन के लिए लेकर गए हैं। और मैं उनके तमाम अफराद ख़ानदान को सिर्फ सब्र जमील अता करे परवरदिगार, मैं दुआ गो हूँ। और उनके लिए हर तरीके से मुमकिन मदद के लिए जनाब आज़म शरीफ साहब जो यहाँ पे मुतल्लिका कारपोरेटर हैं वो बार बार इसके ताल्लुक से शिकायतें करते रही, लेकिन अक्सर ये होते गया, बस्ते इसलिए गई कि एहतजाज करते रहे हमारे लोग और वो दोनों एहतजाज के बीच में फ़ायदा उठा के निकलते गई। लेकिन मेरे भाइयों ने बड़ा ताउन किया है और इंशाल्लाह हम इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। जब भी